स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एसिड फास स्टेनिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इस स्टेनिंग को हम जील नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। एज यूजुअल यू नो, ये स्टेनिंग के लिए हमें सबसे पहले जो स्टेप रिक्वायरमेंट होती है वो स्लाइड फॉर्मेशन होती है, और स्लाइड फॉर्मेशन आपको पता है किस तरीके से किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, एसिड फॉर स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज ग्राम स्टेनिंग से हम सिर्फ ये पता कर पाते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, लेकिन सारे बैक्टीरिया को आप ऐसे सेम ग्राम स्टेनिंग से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बिकॉज कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ही थिक होती है, सेल वॉल थिक होने की वजह से वो ग्राम स्टेनिंग की जो स्टेप है उसके थ्रू जो हम स्टेन यूज़ करते हैं वो स्टेन वो ले नहीं पाते। इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने एक नई स्टेनिंग डेवलप की, और उस टेक्निक को हम एसिड फास स्टेनिंग बोलते हैं और जीन नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो स्टेनिंग है वो ज़्यादातर माइकोबैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली और माइकोबैक्टीरियम लिप्राई। इस स्टेनिंग से हमें यह पता चलता है कि बैक्टीरिया एसिड फास्ट पॉजिटिव देगा या एसिड फास्ट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम इसका प्रोसेस लिटिल बिट डिफरेंट है ग्राम स्टेनिंग से, लेकिन इसमें ग्राम स्टेनिंग की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ स्टेनिंग यूज़ होगी। सो फर्स्ट वन, इसमें जो प्राइमरी स्टेन यूज़ होगी उसको हम कार्बोफ्लेक्सिन बोलते हैं। यस, इन द सेम वे जैसे हम कार्बोफ्लेक्सिन डालेंगे तो जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को नहीं छोड़ेगा वो एसिड फास पॉजिटिव देगा, और जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को छोड़ देगा और सेकेंडरी स्टेन जो कि यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू है जिसको काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, अगर वहाँ पर बैक्टीरिया ले लेता है इसका मतलब वो एसिड फास नेगेटिव है। तो स्टूडेंट, एसिड फास स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम स्लाइड फॉर्मेशन कर लिए, फिर स्लाइड फॉर्मेशन जैसे ही स्पेसिमेन के करेंगे तो कार्बोफ्लेक्सिन डालेंगे। अब कार्बोफ्लेक्सिन का डालने का जो यूज़ करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है। हम उसको एज शोन इन द डायग्राम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम वाटर बाथ पे स्लाइड को, बॉइलिंग वाटर बाथ पे स्लाइड को रख देंगे, और स्लाइड जो है वो वेपर के कांटेक्ट में रहेगी। ये हम करेंगे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट, और ये 5 to 10 मिनट हम इस वजह से करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो अगर हम डायरेक्टली अगर कार्बोफ्लेक्सिन यूज़ करते हैं विदाउट हीटिंग तो फिर ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ये स्टेन लेगा ही नहीं, और ये लगा ही नहीं तो फिर हमारा रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। तो इसलिए ये जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट, एक और बात याद रखने की है कि जैसे ही हम वाटर बाथ पे कार्बोफ्लेक्सिन को वेपराइज करते हैं तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कार्बोफ्लेक्सिन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, मतलब स्लाइड ड्राई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वेपराइज हो हमें फिर से कार्बोफ्लेक्सिन ऐड करनी है। तो ये स्टेप हमारी 5 to 10 मिनट चलेगी। तो ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि सेल जो है हम ये चाहते हैं कि सेल वॉल के अंदर जो स्टेन क्या पेनेट्रेट कर जाए। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको हम डिक्लराइजेशन स्टेप बोलते हैं। तो डिक्लराइजेशन स्टेप स्टूडेंट, हम एज पहले हम वाटर से वॉश करेंगे, उसके बाद हम वहाँ यहाँ पे हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड से हम डिक्लराइजेशन करेंगे। डिक्लराइजेशन करते टाइम स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि जो तब तक हमें एस्टोसोफोर को स्लाइड के साथ ट्रीट करते रहना है जब तक कि कार्बोफ्लेक्सिन का कलर रेड अपीयर ना हो जाए। जैसे ही रेड अपीयर हो जाए तो फिर हमें उसको वाटर से वॉश करके अगले स्टेप करनी होती है। अगर स्टूडेंट हम 20% H2SO4 यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह हम अल्टरनेटिवली HCl
3 ml HCl with 97 ml इथेनॉल हम यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ पे फिर लास्ट स्टेन जो हम जो काउंटर स्टेन वो यूज़ करेंगे वो है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू को जैसे ही हम ट्रीट कराएंगे स्लाइड के साथ तो वो अगर बैक्टीरिया डीकलराइजेशन से काउंटर डीकलराइजेशन से अगर प्राइमरी स्टेन उसकी निकल गई है तो वो सेकेंडरी स्टेन मिथाइलिन ब्लू की ले लेगा। फिर हम उसको वॉश करेंगे और फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अगर स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अगर हमें रेड कलर और पिंक कलर नज़र आए तो इसका मतलब वो एसिड फास्ट बेसिलाई है और ज़्यादातर जो बेसिलाई है वो ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और कोकाई जो है इस टेस्ट के हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम जब भी अगर नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे तो बैक्टीरिया मिथाइलिन ब्लू का कलर अंडर द माइक्रोस्कोप नज़र आएगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया एसिड फास्ट नेगेटिव है। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे टेक्निक में जो मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसीजर वर्क कर रहा है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर हाई अमाउंट का जो है लिपिड है फैटी एसिड है हायर एल्कोहल है जो कि मोस्टली माइकोबैक्टीरियम में देखने को मिलता है। तो इनकी सेल वॉल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेन लेती नहीं है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि इनको वाटर बाथ या थोड़ा हीट करके प्राइमरी स्टेन दी जाती है जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है। फिर अगर ये थिकनेस अगर कम रहेगी तो वो बैक्टीरिया एसिड फास्ट नेगेटिव शो करेगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको मालूम रहनी चाहिए वो है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड स्टूडेंट एक टाइप का वैक्स हम बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं एक टाइप का फैटी एसिड है और ये मोस्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल में प्रेजेंट होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल जो पेशेंट में इन्फेक्शन करता है उसमें लंग्स में जो एक टाइप का कोड फॉर्मेशन होता है वो उसके लिए जो ये माइकोलिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल है। फिर स्टूडेंट एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए यहाँ पे कि अगर सेल वॉल इस पूरे टेक्निक के ड्यूरिंग अगर पूरा सेल वॉल अगर डैमेज हो जाती है तो एसिड फॉस टेस्ट जो है वो फॉल्स आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो पूरा ये लिपिड कंटेंट है और फैटी एसिड है और हायर एल्कोहल है ये इस पूरी टेक्निक के पीछे रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये डैमेज हो गया सेल वॉल डैमेज हो गया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।